दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस में। तो आज मैं आपके लिए क्या हूँ, बहुत ही बढ़िया सी सब्जी, और वो है पनीर पटियाला। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। पनीर पटियाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पापड़ रोल और उसके अंदर की स्टफिंग। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 बड़ा चम्मच जीरा। फिर डालना है आपको बारीक कट किया प्याज। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं बारीक कट की हुई पत्ता गोभी। इसे एकदम बारीक आपको कट करना है और इसे मिक्स करके फिर से आपको भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रंग चेंज हो गया और ये भुन चुकी है। अब यहाँ पे हम मसालों में ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 सेकंड तक इसे पका लेंगे ताकि पूरे मसाले अच्छे से प्याज और पत्ता गोभी में मिल जाए। अब 5 से 7 सेकंड के बाद यहाँ पे हम पनीर को इस तरह से क्रम्बल करके डालेंगे। ये हमने घर पे बनाया पनीर, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर से इसे 2 या 3 मिनट तक पका लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पापड़ रोल के लिए स्टफिंग तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा रंग आ चुका है। अब स्टफिंग को रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे पापड़ रोल। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑयल गरम करने रख देंगे। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए, गरम करने रख दीजिए। अब पापड़ रोल को हम स्टिक करेंगे। तो उसके लिए हम स्लरी तैयार करेंगे सबसे पहले। तो एक कटोरी में डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी। इस तरह से आपको गाढ़ी स्लरी तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है पापड़। ये तीखा पापड़ है, आप सादा पापड़ भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो आपको एकदम सेंटर में इस तरह से रख देनी है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है। और स्टफिंग डालने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, इस तरह से थोड़ा फैला देना है आपको। तो देखिए ये हो चुका है। अब जो पापड़ की साइड्स है, इस तरह से जो हमने स्लरी बनाई थी वो साइड्स पर लगा दीजिए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी आपको चारों साइड पर लगा देनी है। लगाने के बाद आपको इसे फोल्ड करना है। तो पहले एक पार्ट उठाइए, इस तरह से फोल्ड कीजिए, फिर इसके सामने वाले को भी इस तरह से कर दीजिए और जो ऊपर साइड के 2 आमने सामने हैं उसे भी आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये आसानी से फोल्ड भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आपको क्या स्लरी अच्छे से लगानी है। तो अच्छे से ये हो जाएंगे। तो देखिए बंद करने के बाद भी इसे आपको अच्छे से स्लरी से कवर कर देना है। तैयार है हमारा पापड़ रोल। अब इसे हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से आपको फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक साइड से हो चुका है, अब इसे पलटकर हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। थोड़ा सा आपको दबा के भी करना है। तो देखिए ये तैयार है हमारा बढ़िया सा पापड़ रोल, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने 2 पापड़ रोल तैयार कर दिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम फ्राई कर सकते हैं। अब ये पापड़ रोल फ्राई हो चुके हैं, अब इसके लिए हम बनाएंगे ग्रेवी। तो सबसे पहले हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा भून लेना है। ये थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाए तब तक आपको इसे भूनना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्याज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में टेस्टी भी लगती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि जो ये पेस्ट है वो अच्छे से प्याज में घुल जाए और बढ़िया सा फ्लेवर आए। तो देखिए ये अच्छे से प्याज भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कट की हुई पत्ता गोभी। तो देखिए यहाँ पर ये पत्ता गोभी हमने ऐड कर ली है, ये करीब 1 कप पत्ता गोभी हमने ऐड की है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से इसे भून लेंगे। तो आपको आंच धीमी कर देनी और इसे भून देना है अच्छे से। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टमाटर और इसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इन टुकड़ों को हम डाल लेंगे मिक्सर में। हम बना रहे टोमेटो प्यूरी, तो उसके लिए
इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े आपको टमाटर के डाल देने हैं मिक्सर में और अच्छे से इसे बंद करके ग्राइंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये टोमेटो प्यूरी तैयार हो चुकी है। अभी हमारा जो पत्ता गोभी और प्याज था वो भी बढ़िया से बन चुका है। अब इसमें हम टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे। तो देखिए हमने ये डाल दिए और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से पकना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। हम आपको आगे से भी दिखा देते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से 5 मिनट तक इसे पकाना है। जब ये पक जाए तो हम इसमें मसालों में ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मसाले ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे फिर से आपको 3 से 4 मिनट तक पका देना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो एकदम अच्छे से घुल जाए पत्ता गोभी और प्याज में और ये अच्छी सी एक ग्रेवी की तरह लगनी चाहिए। तो देखिए ये तैयार है। अब इसमें हम करेंगे पनीर को क्रम्बल करके इस तरह से ऐड कर देंगे। ये घर का पनीर है, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर से आपको इसे थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। आपको करीब इसे 5 मिनट तक पकाना है, फिर इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, करीब आधा कप आपको पानी ऐड कर देना है और इसे मिक्स करके फिर से पकाना है। जब ये थोड़ी सी पक जाए तो आपको इसमें ऐड करनी है अमूल फ्रेश क्रीम। ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी और अगर आप फ्रेश क्रीम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उसे निकाल दीजिए और इसे अच्छे से फेंट कर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे आपको फिर से पकाना है बढ़िया से 5 मिनट तक फिर से पकाना है। पकाने के बाद आपको इसमें ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपको इसे फिर से मिक्स कर देना है और फिर से 5 से 7 मिनट तक आपको इसे पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़िया सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया सा कलर आ चुका है। थोड़ी ये गाढ़ी हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे फिर से मिक्स करके पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, यानी हमारी ग्रेवी तैयार है ये। अब जो हमने पापड़ रोल बनाए थे उसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से। ये आसानी से कट हो जाते हैं। हमारा सब तैयार हो चुका है। अब इसे करेंगे सर्व पनीर पटियाला सब्जी को। तो सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए ग्रेवी। देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब जो हमने रोल कट कर दिए थे उसे इस तरह से दो रख दीजिए और ऊपर से और ग्रेवी डाल दीजिए। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। इसे ग्रेवी पूरा आपको कवर कर देना है। ये जो हमने दो पापड़ डाले हैं रोल उसको आपको कवर कर देना है और ऊपर से दो और पापड़ रोल रख देने हैं। तो आपकी तैयार हो गई ना ये देखिए बढ़िया सी पनीर पटियाला। ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये होटल से कम लगती है क्या? ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही खाने में बढ़िया लगती है और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से आसान इंग्रेडिएंट्स और थोड़े कम समय में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये सब्जी रोटी चावल सब के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और नई डिश के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।